बड़ी खबर, यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 बोर्ड हाई स्कूल व इंटर परीक्षाएं 7 फरवरी से होंगी। 30 अप्रैल तक आएगा रिजल्ट। हाई स्कूल की परीक्षाएं 14 और इंटर की 16 दिनों तक चलेगी। हाई स्कूल को परीक्षाएं 7 से 28 फरवरी और इंटर परीक्षाएं 7 से 2 मार्च तक होगी। रिजल्ट 30 अप्रैल तक आ जाएगा। 3.25 घंटे का पेपर होगा। 8 बजे से परीक्षाएं शुरू होगी। हाई स्कूल में 36 विषय में एक एक पेपर होगा। एनसीईआरटी में एक ही पेपर होता है। ये घोषणा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ में की है। परीक्षाएं कुंभ के दौरान पड़ रही है, इसलिए टाइम टेबल बनाने में प्रमुख स्थान पर वो का भी ध्यान रखा गया है। सीबीएसई के पैटर्न पर 2 से 1 पेपर इस बार इंटर के 106 विषय में से 39 विषय परीक्षाएं होगी। मूल्यांकन पहले या दूसरे सप्ताह में मूल्यांकन शुरू होकर 25 मार्च से आसपास तक चलेगा। इस परिणाम भी अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद जताई जा रही है। 57.87 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत। मिली जानकारी के अनुसार इस बार और सख्ती बरतेंगी। निजी स्कूलों पर शिकंजा कसेंगी डीएम की किट कमेटी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।